यस स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। बेटे कल हमने चैप्टर कैश बुक खत्म किया था, जिसके अंदर लास्ट टॉपिक आपने दिया था पेटी कैश बुक। आज चैप्टर आज से नया स्टार्ट होता है आपका। ये चैप्टर कराता आपका सब्सिडरी बुक, जिसको आप कहते हैं अदर बुक्स। तो ये नेक्स्ट चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है सब्सिडरी बुक, जिसको आप कह सकते हैं अदर बुक। सब्सिडरी बुक ऑब्लिक अदर बुक, ये जो चैप्टर है आपका, ये कैश बुक के बाद का चैप्टर है। एक तो होती है आपकी कैश बुक, कैश बुक के अलावा बिजनेस के लिए और जो हेल्पिंग बुक होती है, एक तो बिजनेस में कैश बुक बनती है, कैश बुक के अलावा बिजनेस में जो और उनकी हेल्पिंग बुक बनती है वो आती है हमारे सब्सिडी बुक के अंदर। तो नॉर्मली आपके सिलेबस में सब्सिडी बुक को चार है, फोर टाइप। नंबर एक इसमें आती है परचेज बुक, नंबर दो आती है इसमें सेल्स बुक। नंबर एक परचेज बुक, नंबर दो सेल्स बुक, नंबर तीन परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, जिसको आप रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं, रिटर्न आउटवर्ड बुक। चौथी होती है आपकी सेल्स रिटर्न, जिसको आप रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं। तो चार तरह की बुक है, एक परचेज बुक, एक सेल बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल रिटर्न बुक, ये चार तरह की बुक आपके कोर्स के अंदर चैप्टर में आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसमें ध्यान देने वाली बात की है, ओनली गुड्स ट्रांजेक्शंस, ओनली गुड्स ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्ड हियर। सिर्फ यहां पर गुड्स की ट्रांजेक्शन आएंगे, सिर्फ जो माल से संबंधित, माल खरीदा, माल बेचा, खरीदो माल वापस कर दिया, बिकाओ माल वापस आ गया, तो सब वही ट्रांजेक्शन जो है इसमें आएंगी, और ट्रांजेक्शन में नहीं आएगी। दूसरी बात जो इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रांजेक्शंस नॉट रिकॉर्ड हियर, वो ट्रांजेक्शंस जो यहां पर नहीं आएंगी। कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऐसी हैं जिन्हें इस चैप्टर में जगह नहीं मिलती है? नंबर एक कैश ट्रांजेक्शन, जितनी भी कैश ट्रांजेक्शन होती हैं वो सब्सिडी बुक पर शो नहीं होती हैं, क्योंकि जितने भी कैश ट्रांजेक्शन हैं वो सब कैश बुक के अंदर आपके ऑलरेडी जा चुकी हैं। जो आपने कैश बुक बनाई थी उस कैश बुक पर हमारी सारी कैश ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हमारी जा चुकी हैं। तो इसमें सिर्फ क्रेडिट एंट्री आती है, ओनली क्रेडिट एंट्री रिकॉर्डेड। तो एक इसमें बात हुई हमारी, जितने भी कैश ट्रांजेक्शन है उन्हें इस चैप्टर में कोई जगह नहीं मिलती है। दूसरी जो इसमें असेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, कौन सी ट्रांजेक्शन? असेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन, उन्हें भी कोई जगह नहीं मिलती इसके अंदर। सिर्फ माल खरीदना, माल बेचना, जो खरीदो माल वापस आ गया, बिकाओ वापस आ गया, सिर्फ वही यहां पे है। जितने भी असेट्स की ट्रांजेक्शन है उन्हें भी इसमें हमारे लिए कोई जगह नहीं है। और सबसे लास्ट जो आपकी पर्सनल यूज ट्रांजेक्शन होती है, जिसमें आपका पर्सनल यूज के बारे में बता रखा हो, यानी कोई चीज अपने पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर ले, गुड्स पर्सनल यूज में इस्तेमाल कर ले, तो उन्हें भी इस चैप्टर में आपको कोई जगह नहीं मिलती है। तो ये इस चैप्टर में हमारी विशेष बात है। हमारी नंबर एक जो हमारी कैश ट्रांजेक्शन है वो यहां पर नहीं आएगी, नंबर दो जो हमारी असेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसे इसमें कोई जगह नहीं मिलेगी, नंबर तीन
जो हमारी पर्सनल यूज की ट्रांजेक्शन है उसे इसमें कोई जगह नहीं मिलेगी। तो तीन तरह की ट्रांजेक्शन को हमारे इस चैप्टर में कोई जगह नहीं मिलती है। क्यों? जो कैश ट्रांजेक्शन है वो हमारी कैश को ऑलरेडी जा चुकी है, और जो असेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है और जो हमारे पर्सनल यूज ट्रांजेक्शन है उन्हें एक टॉपिक आता है जनरल पर्पस, उसमें शो किया जाता है, जो कि आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो फिलहाल ये चैप्टर में फिलहाल यही चार चीजें जो आपको पढ़नी है। अभी चार बुक बनेगी, परचेज बुक, जितना भी आपने उधार माल खरीदा उस सबको जगह मिलेगी यहाँ, उधार माल बेचा वो आएगा यहाँ, जो उधार माल खरीदा था वापिस आ गया सेल वापिस कर दिया परचेज रिटर्न बुक के अंदर, और जो उधार बिका था वो वापिस आ गया सेल रिटर्न बुक के अंदर। ये हमारी चार तरह की बुक हमारे यहाँ पे होती है। एक बार देख लो, उनका स्क्रीनशॉट लो, मैं रब करूंगा और फिर आपको इस टॉपिक का फॉर्मूला दिखाता हूँ आपको। एक बार फटाफट जल्दी साहब देख लो एक बार। तो हम स्टार्ट करें टॉपिक हमारा, इस चैप्टर का फॉर्मेट कैसे होता है, कैसा फॉर्मेट बनता है इसके अंदर। इस चैप्टर का फॉर्मेट जितने भी है हमारी, चाहे परचेज बुक हो, चाहे सेल बुक हो, चाहे परचेज रिटर्न बुक हो, चाहे सेल रिटर्न बुक हो हमारी, उन सबका जो फॉर्मेट है हमारा वो एक सही है। तो नाउ स्टार्ट द फॉर्मेट। सबसे पहले यहां पे आता कॉलम हमारा डेट, दूसरा कॉलम यहां पे आता हमारा पर्टिकुलर्स, यहां पर जो उनसे बुक बना रहे हो उस बुक का नाम, यहां पर आता आपका एलएफ, अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो वाउचर नंबर या इनवॉइस नंबर या कैश, ओ वाउचर नंबर इनवॉइस नंबर दे रखा तो वो अर्ज में हमारा शो किया आता है। इसके बाद यहां पर आती है आपकी डिटेल्स, या तो यहां पे आ जाएगा कॉस्ट या यहां पे आ जाएगा आपका अमाउंट। अगर क्वेश्चन के अंदर, नॉर्मली वैसे फॉर्मेट इतना ही है इसका, लेकिन अगर क्वेश्चन के अंदर आपको एक्सपेंसेस भी दे रखे हैं तो उन सब एक्सपेंसेस के लिए आगे इसमें कॉलम बनते चले जाते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन में आगे एक्सपेंस दे रखा है इन्होंने जीएसटी दे रखा है, या क्वेश्चन में आगे पैकिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, तो जितने भी एक्सपेंस क्वेश्चन में दे रखे हैं या और कोई खर्चा अगर दे रखा है क्वेश्चन में, उन सबको अलग कॉलम बनते चले जाएंगे, आखिर में आगे फिर इसमें कॉलम आ जाएगा हमारा टोटल। ये हमारा फॉर्मेट है इसके अंदर। तो ये इंफॉर्मेशन आती है यहां पर इसके अंदर हमारी, जिसकी बन रही है उसका नाम लिखा जाएगा इसके अंदर। इसके बाद यहां पे नोट डाल के जिन ट्रांजेक्शन्स को आपने क्वेश्चन में ऊपर जगह नहीं दी है, जो आपने ऊपर शो नहीं किए हैं, जैसे कैश ट्रांजेक्शन्स है, क्वेश्चन में कैश ट्रांजेक्शन दे रखी है उसे आपने ऊपर शो नहीं किया तो उसे आप नोट डाल के क्वेश्चन में नीचे शो करोगे। कोई आपकी असेट्स रिलेटेड ट्रांजेक्शन है उसे आपने ऊपर शो नहीं किया तो उसे आप नीचे नोट डाल के नीचे लिखेंगे। पर्सनल यूज ट्रांजेक्शन है उसे नीचे शो नहीं किया उसे आप नीचे लिखेंगे। तो जो भी ट्रांजेक्शन्स के लिए ऊपर आपको जगह नहीं मिली है उन ट्रांजेक्शन्स को क्वेश्चन में नीचे जो है नोट डाल के नीचे लिखा जाता है। अब इसमें होता क्या है, हमारा नॉर्मली हम मान लो परचेज बुक बना रहे हैं तो जिससे आपने माल खरीदा उसका यहां पे नाम आ जाएगा। मान लो हमने रोहन से खरीदा तो मैसेस रोहन ट्रेडर्स, मान लो हमने क्या खरीदा 50 क्विंटल वीट खरीदा और 2000 रुपए पर क्विंटल, हमने 50 क्विंटल वीट खरीदा और 2000 पर क्विंटल हो तो इसमें 50 × 2000 ये आ जाएगा आपका
अगर क्वेश्चन कुछ और चीज दे रखी है वो माइनस कर देंगे, नहीं दे रखी है डायरेक्ट एक डिटेल्स जो है हमारा उसी डिटेल्स को। मान लो क्वेश्चन के अंदर आपका ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है तो उसे इसमें से माइनस कर देंगे। लेट हमने हमारा 10% दे रखा है तो 1 लाख का 10% 10,000 अमाउंट आउटर कॉलम में आ गई हमारी 90,000। और अगर ये कुछ नहीं दे रखी है तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, अगर ये भी चीज दे रखी है तो उन सबको जोड़ के तब अमाउंट जो आपको टोटल वाले कॉलम के अंदर जो है आपकी वो शो हो जाएगी। तो ये आपका फॉर्मेट है, नॉर्मली परचेज बुक सेल बुक सबका फॉर्मेट जो है हमारा सेम ही है, ऐसा ही बनता है हमारा। अब कल से हमसे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आज की क्लास भी खत्म होती है। ओके, थैंक यू।